उठो, हिम्मत करो, शाबाश उठो। अबे यार ये कितना सैड है यार ये। गब्बर गब्बर उठो, शाबाश हिम्मत करो, उठो शाबाश हिम्मत करो शाबाश। तो यार उसामा नहीं छोड़ रहा यार। मिस्कात भाई आप समझा करो, ये देखो कितना प्यार कर रहा है यार, चाट रहा है मुझे। तो यार यार आज एक और बैड न्यूज है यार। हमारी जिंदगी में इतनी सारी बैड न्यूज आ रही है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा यार। आज दो दो बैड न्यूज है, पता नहीं किसकी नजर लग रही है यार, समझ नहीं आ रहा यार। तुम लोग यार हमारे लिए दुआ नहीं कर रहे ना, मिश्कात भाई के लिए दुआ करो यार। इतनी जिंदगी में मसले मसाइल हो गए, मतलब जो भी जानवर ला रहा हूँ वो मर रहा है या उसके साथ कोई मसला हो रहा है, मतलब हम पाल ही नहीं पा रहे यार। यार मेरी बहुत ही प्यारी सी चुड़िया थी लेडी गोल्डियन, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है, आज वो मर गई यार। जब मैं सुबह उठा मैं खाना देने गया तो मैंने देखा यार मरी हुई है यार। इतना अफसोस हुआ आपके भाई को, इतना अफसोस हुआ। आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। यहाँ पर मैंने अपनी लेडी गोल्डियन को रखा हुआ था, ये चेक करो यार। अस्तग़फ़िरुल्लाह बेचारी मर गई यार, किस तरह पड़ी है। इसकी फीमेल ज़िंदा है, इसका मेल मर गया यार। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये देखो यार इतनी खूबसूरत थी, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत थी और बिल्कुल एक्टिव थी, कोई मसले मसाइल नहीं थे यार इसके साथ। पता नहीं इसके साथ क्या हुआ, क्या आफत आई है। यहाँ पर कोई बिल्ली भी नहीं आती, कोई मसले मसाइल भी नहीं है, टेम्परेचर भी सही है, खाना पीना भी सब कुछ सही दे रहा था। इसकी फ़ीमेल बिल्कुल सही है, ये चेक करो, उड़ भी रही है, फ्लाइंग भी कर रही है, सब कुछ है। लेकिन ये जो मेल है ना यार, ये मर गया। देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत है यार ये मेल। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी में ना एक साथ सारी के सारी बुराइयाँ आने लग जाती हैं। मतलब अभी कुछ अरसे पहले हमारा मस्ताना मर गया था, बसंती भी जाने वाली है, फिर साथ लेडी गोल्डन मर गया, फिर हमारे गब्बर के साथ भी एक मसला हो गया जो मैं आपको बताता हूँ अभी। चलो यार इसको दफना देते हैं जल्दी से। माशाल्लाह से गब्बर जो ना हमारे घर में इतना सेट हो चुका था, बिल्कुल माशाल्लाह खाना वाना भी खाया इसने सारा का सारा। लेकिन यार एक ऐसा मसला हुआ ना कि गब्बर को हमें वापस छोड़ना पड़ रहा है यार। गब्बर जो है ना दो बार चोरी होते होते बचा है, दो बार बिल्कुल ऐसा हो गया था कि चोरी होने वाला था। अबे यार उसामा भाई मर गई यार। अबे यार कोई कभी कोई भाई अल्लाह के बंदे अच्छी न्यूज भी दी सुना दी अगर। अबे आजकल सारी बैड न्यूज आ रही है, सारी के सारी बैड न्यूज। मस्ताना मरा, बकरा चोरी होते होते बचा है भाई, दो बार चोरी का टाइम हुआ है। दो दफा? हाँ भाई। करो यार। हाँ यार। तो ये यार इस घर में भी यार, असल में गुलाबी बकरा ना महंगा होता है, 10-12 लाख रुपए का बकरा होता है, तो कोई भी चोरी कर सकता है। इसमें कोई ना कोई लाइसेंस टैक्स होता है, ना कोई कागजात होते हैं, बस बंदा चोरी करके जाएगा भेज देगा। अल्लाह के बंदे छुपा के रख कीमती चीजें, नुमाइश क्यों करता है चीजों की, पूरे मोहल्ले को दिखा रहा है, नहलाने लेके जा रहा है, शौकदेबाजी करने का भी तो शौक है ना। अबे तो यार हमारा काम ही व्लॉगिंग करना है ना यार, व्लॉग दिखाते हैं, दुनिया को पता होता है मेरे पास बकरा है। अब दो बार चोरी होते होते बचा है। वैसे जो तूने और इतनी सारी चीजें छुपा के रखी है वो तो तूने हमें नहीं दिखाई, बकरा तो सबको दिखा रहा है। यार सीन ये है ना, मैंने गुलाबी बकरा अपने घर पे रखा हुआ है और पूरी दुनिया को बताया कि मेरे घर में बकरा है और बहुत महंगा बकरा है, तकरीबन 10 लाख रुपए का मैंने खरीदा है। अब महंगी चीज़ है ना यार, इसकी हिफाजत करने के लिए ना यहाँ पर कोई गार्ड है। अब मसला ये है कि दो बार जो है ना ताला तोड़ने की कोशिश की है, एक बार तो ताला टूटा हुआ था, मैंने आके देखा ताला टूटा हुआ है, मैं हैरान हो गया यार ताला कैसे किसने तोड़ा। तो अब्बू ने कहा कि जो है ना ये बकरा चुराने की कोशिश की है। उसामा भाई मैं तो कह रहा हूँ बकरा फार्म पे छोड़ देते हैं यार। भाई ऐसी करो, महंगी चीजें अल्लाह ना करे अभी बचत हो गई है भाई। वैसी हमारे ऊपर बल्लियां आ रही है इस वक्त। नहीं नहीं अभी हम लोग चल रहे बुराई में टोटल जो है ना, अभी इसको पहली फुर्सत में अभी कुछ दिन मामला सेट हो जाए और लाना भी तो चुपचाप से भाई। आप भी तो हर चीज की वीडियो बना देते हो यार। यार मैंने देखा जब भी मैं किसी चीज की वीडियो बनाता हूँ ना कोई अच्छी चीज की, उसको लाजमी नजर लगती है, पता नहीं क्या सीन है यार। पहले एक बार हमारे याद है कल्लू कितना बीमार हो गया था यार, उसको मैंने दिखाया था, हालांकि इतना एक्टिव था, मेरे साथ खेलता था, बबलू था वो भाग गया था। अजीब यार अजीब और गरीब सीन होने लग गया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो देखो कुत्ता घर से गायब हो गया है। ले जी वो कल्लू घर से गायब हो गया, घर पे है ही नहीं। मैक्स जी मैक्स नहीं करो कसम से। अबे यार क्या चल रहा है हमारे साथ ये भाई। यार मुझे लग रहा है बहुत काली नजर लगी है किसी की। तकरीबन एक चुड़िया 50,000 रुपए की है, इतनी महंगी चुड़िया मरी है यार। चलो यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर खोदते हैं खड्डा। अबे तुम लोग सारे क्यों आ गए, नमाज़े जनाजा नहीं हो रही भाई। बिस्मिल्लाह गम मनाने आए हो क्यों, तुम्हारा मामा था या चाचा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फाइनली भाई अपनी चिड़िया को हमने दफना दिया। वैसे जानवरों का कोई हिसाब किताब तो होता नहीं है भाई, सीधा जन्नत में जाएंगे। इंसानों का हिसाब किताब होता है और इंसान आखिरत की तैयारी करता नहीं है। चलो यार गब्बर तुम्हारे जाने का वक्त आ रहा है यार, तुम्हें छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा लेकिन क्या करें यार, तुम्हें यहाँ लोग चोरी करने आ रहे हैं। उस्ताद ये गब्बर कहाँ पहुँच गया बकरियों के पास, पूरा रेवड़ जा रहा है ये तो उस्ताद। अबे ये तो दुम्बो के दरमियान घुस गया। अबे 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 ये इसको बकरी पसंद आ गई उस्ताद। अबे ये तो बकरी के पीछे पागल हो गया भाई। अपने बकरे को डालते हैं हम फटाफट गाड़ी में। भाई आपको पता है ना हम लोग सारे जानवर गाड़ी में लेके जाते हैं। अब दोबारा मैं पिसने वाला हूँ। उसामा मैं धक्का दे रहा हूँ अंदर, इसको खींच। चलो भाई ऊपर चढ़ो। शाबाश 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 शाबाश, ये हुई ना बात। बिस्मिल्लाह
चलो भाई फाइनली हमारा गब्बर गाड़ी के अंदर जा चुका है, दरवाजा बंद। यार गब्बर क्या यार, मैंने सोचा था तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा, लेकिन लोग ना मतलब दो मोहब्बत करने वालों को जीने नहीं देते यार। यार अल्लाह का शुक्र है गब्बर जो है ना बच गया, वरना मतलब चोर ने पूरी तरीके से सोचा हुआ था कि वो जो है ना लाजमी गब्बर को लेके जाएगा। अल्लाह का शुक्र है एक बार उसने ताला तोड़ा और अंदर घुस नहीं पाया, और एक बार जो है ना ताला तोड़ नहीं पाया ऐसे ही भाग गया। लेकिन ये कि उसने पूरा इरादा कर लिया था कि गब्बर को ना चोरी करके लेके जाएगा। अल्लाह ताला ने बचा लिया भाई, बहुत बड़ा वरना हमारा नुकसान होने वाला था, 10 लाख रुपए का नुकसान होता है एक साथ। आप यकीन करो कि अल्लाह ने बचा लिया, वरना हमारी तरफ बकरीद के सीजन में जो है ना, ये तो बकरा है, 3 गाय घर से निकाल के ले गए। नहीं करो साहब, मसला ये है ना कि बकरों के ना कागजात होते हैं, जैसे गाड़ी गुम होती है ना कागजात होते हैं, प्रॉपर FIR कट सकती है। अब बकरे का क्या बंदा FIR कटाएगा, क्या कागजात होंगे, किसी को पता ही नहीं है यार बकरा कहाँ पर है क्या है, ना कोई इसके अंदर ट्रैकर होता है इसको ट्रैक कर ले। यार आप ये चेक करो यार, हमारा गब्बर जो है ना किस तरह यार हमारे पास बैठा हुआ है, मतलब इसका जाने का दिल ही नहीं चाह रहा यार। ये हमारे साथ इतना अटैच हो चुका था, और ये माशाल्लाह इतना प्यारा बकरा है, वरना उसमें भाई वो बकरे कितने खतरनाक होते हैं। वो का तो काम ही है ये, उसने आज तक ना ये वाले मतलब किया ही नहीं, वरना सारे आंडू बकरे ना ये कर रहे होते हैं लाजमी। ये तो इतनी मोहब्बत वाला है ना, देखो बैठा हुआ कैसे, ऐसा लग रहा है ये भी बहुत सैड है यार। सिर्फ यकीन करें ये आप जो है ना सिर्फ चाटने का शौकीन है। यार गब्बर टेंशन नहीं लो यार, तुम्हारे लिए ना मैं बड़ा सा गार्ड रखूंगा, बड़ी सी गन वाला, सही है, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। अब क्या करें यार, लोग तुम्हें चोरी करने वाले थे, 2 बार ना तुम्हें चोरी करने वाले थे, अब वो तुम्हें लेके जाते, तुम्हें मारते, तुम्हें खाना भी नहीं देते, वरना मैं तो तुम्हारा ख्याल करता हूँ ना यार। तुम्हारे लिए ना मैं अच्छी सी जगह बनाऊंगा, उसमें तुम्हें लेके जाऊंगा, सही है। चलो शाबाश, उठो उठो, हिम्मत करो, शाबाश उठो। अबे यार ये कितना सैड है यार ये, गब्बर गब्बर उठो, शाबाश हिम्मत करो, जाने का दिल नहीं चाह रहा। गब्बर उठो, शाबाश हिम्मत करो, शाबाश चलो बस प्यार करो, पप्पी दो पप्पी दो पप्पी दो पप्पी दो। चलो यार अब वक्त आ गया गब्बर को निकालने का, आजो गब्बर बाहर आजो, शाबाश। यार गब्बर तुम्हें छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा यार, तुम्हें दिल चाह रहा है मुझे छोड़ने का? खैर तुम्हें तो मजा आएगा यार, तुम्हारे सारे के सारे दोस्त हैं यहाँ पर। ये देखो सीधा अपनी जगह पे जा रहे हो, खाने की जगह पे, इतने बेवफा हो यार तुम। अरे उस्ताद डायरेक्ट गंदम में मुंह मर लिया इसने तो। खैर जानवरों को यार इतनी कहाँ सेंस होती है यार, हालांकि गब्बर को मेरे पास ना सिर्फ 2 या 3 दिन हुए, लेकिन मुझे इतनी मोहब्बत हो गई थी उससे, इतना प्यार हो गया था, क्योंकि ऐसा आंडू बकरा मैंने आज तक नहीं देखा। आंडू बकरे ना सारे के सारे जंगली होते हैं, मतलब सारे के सारे ऐसी आवाजें निकालते हैं, मारते हैं, टकरे मारते हैं, उछलते हैं, लेकिन ये गब्बर था ना ये बिल्कुल डिफरेंट था, ये कूल काम बहुत प्यार मोहब्बत से रहने वाला बकरा था यार। वैसे खैर गब्बर इंशाल्लाह यहाँ पर सही परवरिश पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे इसके भाई बहन हैं, इसकी कैटेगरी के लोग हैं, इसको यहाँ पर बीवियाँ मिल जाएंगी। मुझे लग रहा है यहाँ पर ना गब्बर की बीवी है कोई, इसलिए इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई कोई। गब्बर की बीवी है नहीं है यहाँ पर, गब्बर की बीवियाँ हैं, बेगमात है। ओ भाई साहब वो देखो एक बेगम आ रही है वहाँ से, ये चेक करो इन्होंने मुंह निकाला हुआ यहाँ से। ये भी इंशाल्लाह ना सारे के सारे बड़े बड़े गब्बर बनेंगे, फुल गब्बर बनना है तुम्हें खा पी के, सही है भाई। सुराज से आप भी निकाल सकते हो क्या मुंह अपना, आप इसका ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, सही है, इसको अपने बच्चों से बढ़ के ख्याल रखना। हम वैसे भी बच्चों की तरह इनको पालते हैं भाई, ख्याल करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। असल में मैंने 2 दिन गब्बर को रखा ना, मुझे इतना प्यार हो गया था, इससे इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आंडू बकरा जो ना आपके पास और आंडू बकरे भी हैं, लेकिन सारे के सारे खतरनाक वाले होते हैं ना, वो मारने पीटने वाले, आवाजें निकालने वाले, ये इतना शरीफ ऐसा लगता है घर का पला हुआ है। इसको देखो यहीं पर पड़ गया ये तो। अबे भाई ये जिंदगी होनी चाहिए, असल जिंदगी ये, तुम तो झक मार रहे हो। अबे तो धोती पहनना, पैंट शर्ट क्यों पहना हुआ तूने? अबे सोचो, ये कैप पैप उतार, धोती पहन, ये पहन तो सुनो, ऐसा सेटअप करना है, सुकून से चिल होके लेटो, 4-5 बीवियां एक फसल काट रही हो, चाय बना रही हो, हाँ 2 पंखे चल रही हो, यार ये जिंदगी चाहिए मेरे को, ये चैनल वैनल हटो, बंद करो, हम ये जिंदगी गुजारेंगे। सही बात है यार, मुर्गे अंडे दे रहे होंगे, मुर्गे सॉरी मुर्गियां मुर्गियां यार उसामा भाई सही बोल रहा है यार, मतलब ये जो जिंदगी है ना इसकी बात अलग है, विलेज लाइफ की बात बिल्कुल अलग है यार। मतलब बंदा चारपाई पे सोए, मुर्गी अंडे दे रही हो, अंडे खा रहा हो, दही बन रहा हो, कहीं लस्सी बन रही हो, कहीं पर जो है ना वो गोबर नहीं दीवार पे क्या होता है, गोबर का क्या सीन होता है, ओपले होते हैं वो, ओपले हाँ वो जो है ना दीवार पे लगाते हैं, मतलब अलग ही लाइफ होती है यार विलेज की, बिल्कुल नेचुरल लाइफ। और आपके भाई को ना लग्जरी लाइफ पसंद ही नहीं है, ये गाड़ी बिल्डिंग लग्जरी लाइफ एसी वेसी पसंद ही नहीं है, आपके भाई को पसंद है ऐसी छतों पर।
ये पंखा भी नहीं होना चाहिए, कुदरती हवा होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पैंट शर्ट वगैरह छोड़ के ना हम लोग धोती पहनना शुरू कर देते हैं, क्या बोलते हो? आजकल के जो मर्द हजरात हैं बहुत, यानी कि इसी वजह से कमजोर हो रहे हैं, उनको नेचुरल डाइट नहीं मिल रही। वही गाँव में मैं तो बोलता हूँ हम दोनों चलते हैं किसी गाँव में, वही की देसी लड़कियाँ पसंद करके उन्हीं से शादी। तेरी बीवी भी देख रही है व्लॉग? अबे भाई उसको छोड़ो यार, अभी मेरे पास तीन ऑप्शन और बाकी हैं। ओ भाई साहब, आप जो पैंट पहने हुए ना इससे हवा क्रॉस भी नहीं होती, जब धोती पहनोगे ना अंदर से एसी की हवा घुसेगी और अंदर ठंडक हो जाएगी, और अंदर के जितने पुर्जे हैं ना वो अच्छी हवा लगने से वो भी तंदुरुस्त रहेंगे। दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारी तरह डरता नहीं हूँ, बेगम देख रही हूँ, बेगम बेगम बेगम। अबे भाई मर्द है मर्द, अभी घर पे जाके पिटने वाला है बहुत ज्यादा। अबे इसको क्या हो गया, यहाँ आते बोबो करने लग गया। ये देखो ये देखो ये देखो चाट रहा है। अरे उस्ताद, अरे उस्ताद मस्ती के मूड में आ गया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मस्ती के मूड में आया। अरे भाई साहब आओ गब्बर आओ आओ मस्ती करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हमारे इलाके में तो बहुत शरीफ था यार, इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, इसको पता मेरा इलाका है। उछालो इसको। ओ भाई साहब अबे उछल गया। ओ भाई साहब अबे गब्बर को क्या हो गया। चलो बेटा गब्बर बहुत शैतानी कर ली, चलो अपने घर पे जाओ, शाबाश। असल में चाचा ने ना बचपन से पाला ना इसको, ये देखो इनसे प्यार कर रहा है। आपको फ्रेंच किस देने वाला है? माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, चाय बिस्किट। एक तेरा हाँ, ये एक मेरा, सही है सही है। ये दो तेरा हाँ सही है, ये दो मेरा है? सही है। ये तीन तेरा है? ये तीन मेरा, ये चार तेरा, ये चार मेरा, सही है। ये पांच तेरा, ये एक दो तीन चार पांच मेरा। चल भाई उठा ले, ये सब मेरा ये सब तेरा, हिसाब बराबर बराबर। खुश बे यार, गलत बात है यार, उसामा ने सारी बिस्किट ले ली। मेरे पास एक आइडिया है जिससे सारी बिस्किट मेरे पास हो जाएंगी। एक काम करता हूँ, ये सारी बिस्किट है ना उसामा गाड़ने के चक्कर में, उसामा उधर देख एक काम कर रहा हूँ मैं। ये देख ये सारी बिस्किट है ना, इसको डाल दूंगा चाय के अंदर, सही है, इसको सबको चाय के अंदर डाल दूंगा मैं। ये देखो ये सारी मेरी हो गई, अब ये सब मेरा। क्या करा तुमने? वो सारी चाय में डाल दी ना, आप खाओगे कैसे? मतलब चाय में बिस्किट डाल के ना जो वो बनता है ना एक कस्टर्ड टाइप बन जाता है, खचड़ा 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 टाइप बन जाता है ना, उसका अलग ही मजा आता है भाई साहब। आदमी जीने क्या है भाई। चाचा भी देख के हमारे ना वो एंजॉय कर रहे हैं। चाचा चम्मच चम्मच है कोई? इसको ना तड़पा तड़पा के खाऊंगा मैं, आपका भाई खाएगा ये फुल मजे से। ये चेक करो इसका मजा ही अलग होता है भाई। मतलब ये रेसिपी अगर तुम लोगों ने ट्राई नहीं की ना फटाफट ट्राई कर लो, और मैं बता रहा हूँ ये है मिश्कात भाई की रेसिपी। इसके अंदर ना एक सीक्रेट सॉस डलेगा, पता क्या डलेगा? आंडू बकरा होता है ना उसका जो सूसू होता है वो डालो थोड़ा सा, और बकरियों के छोले डाल दो, अलग ही लेवल का मजा आ जाएगा। सही बता रहा हूँ मैं, खा ले वो सामा तेरी जिंदगी समर जाएगी। अच्छा। तेरे अंदर जो कमजोरी कमजोरी हो रही है ना सब खत्म हो जाएगी। तो पहले हर चीज आप ट्राई करते हो ना? हाँ। आप ट्राई करके फिर मुझे बता। पहले हर चीज मैं ट्राई करता ना, लेकिन ये वाली तुम करोगे। चलो ठीक है ला दो बना के। चाचा चार पांच गोबर वोबर ले आना बकरी के, सही है, और बकरे का सूसू ले आना। चाचा लेकर आया फटाफट, में नहीं आएगा, कम से कम इसको दो तीन दफा खाएगा। अच्छा, चाचा ने दो तीन बार खाए तो उनके बाद ताकत आई थी। अच्छा ताकत है ना यार। ये जो बकरी है ना इसने तीन बच्चे माशाल्लाह से दिए, और तीन बच्चे देने के बाद जो ना हालत चेक करो यार। मतलब माँ जो होती है ना बच्चे देने के बाद देखो अपनी सेहत खराब कर लेती है, कितनी बड़ी कुर्बानी देती है, लेकिन ये कि बच्चों के लिए करती है भाई। यार हम लोग तो तफरियों में लगे हुए हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है गब्बर को अलविदा कहने का। हमारा प्यारा सा गब्बर खड़ा हुआ है यार, अब जाने का वक्त आ गया। गब्बर जा रहा हूँ मैं, सही है, अपना ख्याल रखना ठीक है। माशाल्लाह यार इतना प्यारा था ना, इसको छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा, दिल चाह रहा यही कान पकड़ के ना खींचता पकड़ ले जाऊं यार। अबे यार उसामा देखो प्यार कर रहा है यार मुझे। ये वो बोल रहा है आप मुझे छोड़ के नहीं जाओ, लेकिन मजबूरी है क्योंकि आपका इलाका सेफ नहीं है। तो यार उसामा नहीं छोड़ रहा है यार। मिश्कात भाई आप समझा करो, ये देखो कितना प्यार कर रहा है यार, चाट रहा है मुझे, जैसे हुमायूं भाई को चाट रहा था ना पहले, वैसे मुझे चाट रहा है। आपने उसको चारा खिलाया, आपको उससे मोहब्बत हो गई है। तो यार यार इंसान किसी चीज से मोहब्बत करता है उसको क्यों छोड़ना पड़ता है यार। ये देखो कितनी मोहब्बत वाला बकरा है यार, मुझे प्यार कर रहा है, चाट रहा है। मिश्कात भाई इस जैसे और गब्बर चाहिए ना तो ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना अगर ये चोरी हो गया ना तो फिर इसकी नस्ल यहीं पर खत्म हो जाएगी। चलो यार गब्बर अल्लाह हाफिज यार, अपना ख्याल रखना, चाचा इसका ख्याल रखिएगा, सही है भाई। क्या हो गया, वो है तो ऐसे और आ जाएंगे, उसकी नस्ल होगी, ब्रीडिंग बढ़ेगी, अगर अल्लाह ना करे वो चोरी हो जाता। आप सर इतना सैड क्यों हो रहे हैं? चल यार चलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा सेफ था इसलिए मैंने छोड़ दिया, मेरे घर पे सिक्योरिटी का मसला था यार, क्या करें। आखिरी झलक देख रहा हूँ गब्बर की। चलो खैर यार उसामा आते रहेंगे यार यहाँ पर, सही है यार। दिल तो मेरा भी उदास हो रहा है, मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, हवाएं चल रही हैं, बिल्कुल सनसेट हो रहा है। फिर गब्बर को मैं छोड़ रहा हूँ,
अलग ही फीलिंग है यार।